तो बड़ी खबर बादली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बादली के पास ईंट भट्ठे पर बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर, भट्ठे पर दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश के पानी भरा होने के कारण ये बच्चे उस गड्ढे में डूब गए और गड्ढे के पास ये बच्चे खेल रहे थे और उसी दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। तो गड्ढे के पास ये बच्चे खेल रहे थे लेकिन उस दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और इन दोनों बच्चों की मौत हो गई। बादली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, मामले की जांच में पुलिस जुट गई। आपको बता दें कि बादली के पास ईंट भट्ठे पर बड़ा हादसा हुआ है और दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं जहां ईंट भट्ठे के पास जो गड्ढे बने हुए थे वहां पर बारिश का पानी भर गया और उस गड्ढे में डूबने से इन बच्चों की मौत हो गई। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दोनों मासूम जो हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक बादली से पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हादसे के बाद यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, जो गड्ढा है जहां पर बारिश का पानी भरा हुआ था यहीं पर वो दो बच्चे खेल रहे थे लेकिन खेलते खेलते वो इस गड्ढे में जा गिरे जहां पर उन दोनों बच्चों की मौत हो गई। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचवा रहे हैं। गड्ढे के पास ये बच्चे खेल रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, जानकारी चाहेंगे, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, और मामले की अगर बात की जाए तो मामला बादली के पास है, ईंट भट्ठे का है जहाँ पर बारिश के कारण पानी भरा था और जहाँ पानी भरा था उस पानी को निकालने के लिए भट्ठा मालिक की तरफ से गहरा गड्ढा बना दिया गया। इसी खड्डे में पानी निकालने पर मंजूर किया गया लेकिन शायद इन्हें मालूम हुआ कि यहाँ जो ये बच्चे मजदूर बच्चे खेल रहे हैं ये इनके लिए एक बड़ा हादसे का कारण बन जाएगा। आज सुबह जब ईंट भट्ठा मजदूरों के बच्चे वहाँ आस पास क्षेत्र में घूम रहे थे तो अचानक दो मासूम बच्चे खेलते खेलते गहरे गड्ढे में इनका पैर फिसल गया और दोनों बच्चे की मौके पर ही मौत हुई। हालांकि जब भट्ठा मजदूरों ने उन्हें काफी देर बाद बच्चों के गहरे गड्ढे में गिरने की जो जानकारी है वो मिली। यहाँ आपको बता दें कि जो दो बच्चे हैं उनमें एक बच्चा मात्र 2.5 साल और दूसरा बच्चा 4 साल का है और दोनों बच्चे प्रवासी मजदूरों के जो की मूल रूप से बिहार के रहने वाले, पिछले 8 महीने से यहाँ ईंट भट्ठे पर काम कर रहे थे। इसको लेकर जो परिजन परिजनों ने भी जो कहा है कि जो कुछ देर पहले ही खड्डा जो पानी निकासी के लिए बनाया गया था जिसके चलते बच्चों को जो इस खड्डे की जानकारी नहीं थी, फिलहाल बच्चों के शव को जब्त करके शवगृह में भिजवाया गया और पोस्टमार्टम के साथ साथ पुलिस अन्य कार्रवाई भी की हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय जानकारी देने के लिए।